आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं कुछ भी शब्द कहने से पहले मैं परम पिता को धन्यवाद देता हूँ जो धरती पे लाया, जो मादर फादर मिले, जो मुझे केयरिंग किया, अच्छा सोच डाले, अच्छा संस्कार मेरे अंदर डेवलप किया। और इस बिजनेस में आने के बाद कुछ भी नहीं आता था, कहाँ से क्या शुरू करना है, कहाँ पे क्या ख़त्म करना है, किन से क्या बोलना है, कुछ भी नहीं आता था। और इस बिजनेस में आने के बाद जो अच्छा संस्कार, अच्छा सोच और विकास की ओर ले जाने वाले अपलाइन मिले, गणेश पाल सर, सौरभ सर, दीपक सर, परशुराम सर और ग्रेट महागुरु माधव सर, मैं इन सभी अपलाइनों को सत्य सत्य नमन करता हूँ। थैंक यू। दोस्तों, आपने डॉक्यूमेंट्री में सब कुछ देखा ही है। मेरे पिताजी अभी बता ही रहे थे कि कौन सी पृष्ठभूमि से हम लोग बिलोंग करते थे, कितना गरीब थे, ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी सब कुछ बता दिया गया है। उसी गरीब हालात से मैं लड़ रहा था, फेस कर रहा था और बस एक ही दिमाग में चीज चलता था कि अमित लाल, अगर तू सरकारी नौकरी नहीं लिया तो फिर तुम्हारा परिवार नीचे के नीचे रह जाएगा और जिंदगी में ना तो कोई मान सम्मान ना कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बस घुट घुट के लोग मरे हैं, तुम्हारा परिवार भी ऐसे मर जाएगा। और बस दिमाग में एक ख्याल आता था, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सरकारी नौकरी पाना ही पाना है। दोस्तों, लगातार मेहनत किया, प्रयास किया और प्रयास किया, लगन के साथ किया। जिस जॉब की तलाश थी, जिस जॉब के लिए मैं मेहनत कर रहा था, वही जॉब मुझे मिला। अच्छा खासा चल रहा था, परिवार में खुशियाँ भी थी, जो एकदम नीचे थे धीरे धीरे उठ भी गए थे। इसी जॉब से जहाँ मिट्टी के घर था वहाँ पे ईंटे का बनाने का मौका मिला। परिवार में अच्छे कपड़े लत्ते हो गए, अच्छे खाने पीने की बंदोबस्त हो गई थी, लेकिन शायद ऊपर वाले के मंजूर कुछ और ही था, वो बनाना कुछ और चाहते थे। टेम्प्रोरी मुझे एक आर्मी का जवान बना के रखे थे लेकिन वो परमानेंट नहीं था। और शायद उनकी मर्जी और कृपा रही जो मुझे राजस्थान कोटा में दो शख्स देवदूत के रूप में आए और रूम पे सेफ्स और बिजनेस का प्लान मुझे दिखाए। थैंक यू। मैं और मेरी वाइफ दोनों बैठ के सेफ्स और बिजनेस का प्लान देखा और देखने के बाद जब हस्बैंड वाइफ प्लान देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखते हैं कि ये हाँ बोल रही है या ना की तरफ झुका हुआ है। मुझे नहीं लग रहा था कि इसमें मैं सफल हो पाऊंगा या बड़ा कुछ कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं अपनी वाइफ की तरफ देखा तो उन्होंने बोला, इशारा दिया कि कर जाइए, हो जाएगा, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। दोस्तों, ज्वाइन किए और ज्वाइन कराने वाले कोई और शख्स नहीं थे, दो आए थे कोई माध्यम बन के, लेकिन संस्कार में रहा जो आज यहाँ पे है। मैं चाहूँगा एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए गणेश पाल सर के लिए, एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू। सर के गाइडलाइन में रहा और जब कोटा से बिजनेस का शुरुआत किए थे तो जब शुरुआत में गलती हो रही थी, बिना सीखे मैं लोगों को बताने चला गया और जब मैं बता नहीं पाता था और लोग जुड़ नहीं पाते थे तो मुझे लगता था कि कहीं गलत जगह आ गया हूँ। कई कबार घर पे आने के बाद फैमिली के साथ डिस्कस होता था, हर बार फैमिली यही पूछती थी, आज क्या हुआ, कौन कौन ज्वाइन किया, कितना सेल आया। लेकिन जब निराश लौटते थे तो बोलते थे, उससे मिला, उससे मिला, कोई ज्वाइन नहीं किया। तो फिर फैमिली बोलती थी, तब क्या करेंगे हम कि चलते हैं, सर से मिलते हैं, अगर लोगों का चलता है तो मेरा भी चलेगा, शायद
कमी होगी तो मेरे में कमी होगी। मैं उस लाइन अपलाइन से मिलता हूँ जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया है। और सर्विस सौभाग्य की बात है कि उस समय कोटा में ही रहते थे परिवार के साथ, हम फैमिली को लेके घर तक गए, मिले, बैठ के बातचीत हुआ। बोले अमित लाल जी आपका भी चलेगा, धैर्य रखना, हिम्मत मत हारना, दुनिया में जीतने वाला बस हिम्मत बना के रखता है, तुम भी बना के रखो। दोस्त हिम्मत नहीं आ रहा, अपलाइन का हाथ मेरे सर पे था और जब भी मिलते थे गला मिलते थे बोलते थे एक दिन होगा, एक दिन चड्डे फड्डे होगा, बहुत बड़ा काम होगा। और दोस्त विश्वास के साथ काम करते रहे करते रहे। और जैसे ही छुट्टी वहाँ से मिला तो छुट्टी आया घर पे, और आने के बाद एक ही काम किया, परिवार को रखा घर पे और अपलाइन को बैठाया अपने मोटरसाइकिल पे, और बस दिमाग में एक ही ख्याल था, बस डायमंड बनना है, टीम गया में पर जहानाबाद में बिल करना है। और बैठा के सुबह से लेकर शाम तक बस एक एक करके लोगों से मैं मिलवाते चला गया। और जब मिलवाना शुरू किया तो वो बताते थे, लोग सुनते थे और उनकी बात पे लोग यकीन करने चले गए। और धीरे 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 करके एक महीना लगातार काम करने के बाद मात्र 5 व्यक्ति मेरे साथ जुड़ पाए थे, सिर्फ 5 लोग जुड़े थे, थैंक यू। और 5 लोग जुड़े और उनके साथ मिलके काम करना शुरू किया। और छुट्टी खत्म हो जाता था, वो 5 लोग को सपोर्ट नहीं मिल पाता था, सहयोग नहीं हम कर पाते थे, बातचीत टेलीफोन पे करते थे। और जब बातचीत करते थे, आज हमारे बीच में हमारे साथ आलोक प्रिया जी डायमंड बने हैं जिनको मैंने ज्वाइन कराया था कोटा राजस्थान में बुला के। और जब वो रोया करते थे गया के अंदर कि इतना आसान नहीं है लोगों के पैकेट से पैसा निकालना, आप फोन से बता रहे हैं इतना ईजी नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता था मैं बोलता था होगा, एक दिन मिल के करेंगे, अरे एक दिन जॉब छोड़ देंगे लेकिन एक दिन बिजनेस तो बड़ा करके दिखाएंगे। उनको भी हौसला मिलता था, कभी कभी नहीं समझते थे, अपने अपलाइन से बातचीत कराते थे और फिर वो सही हो जाते थे, बोलते थे बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। ऐसे करके दोस्त बिजनेस को टेकअप किए। फिर उसी बीच में एक ऐसे अपलाइन का आगमन हुआ गया बिहार में जिनको मैं भाई फेस देखा नहीं था। और जब वो गया में गए टीम के साथ गए तो आलोक जी एक बात बोलते हैं, किसको भेजे हैं, बच्चा को, अपलाइन है, ये मुझे साथ दे पाएंगे, कर पाएंगे। मुझे भी पता नहीं था कौन अपलाइन गए थे, मैं तो जानता ही नहीं था। तो मैं बोला क्या हुआ, कुछ तो जानते होंगे तभी तो गए होंगे, आप उनके साथ मिल के कीजिए बात, मानिए। और वो मिल के काम करने लगे और कुछ दिन बाद मुझे छुट्टी मिला। जब उस अपलाइन से मिला, जो अपलाइन मेरे न रहने के बाद भी उस टीम को गाइडलाइन दे रहे थे, फील्ड में सपोर्ट कर रहे थे, और जब मैं छुट्टी गया और जाने के बाद दोस्त 12 बजे रात में बारिश हो रहा था, अपने घर में मैं और मेरी वाइफ और वो अपलाइन बैठ के रात में वो सपने बता रहे थे कि अमित लाल जी आप ये ले सकते हैं, ये बन सकते हैं, ऐसे होगा, डायरी पे लिख के बता रहे थे। उस समय बिलीव नहीं हो रहा था, लग रहा था पता ना होगा कि नहीं होगा, लेकिन 1.5 घंटा बैठने के बाद मुझे लगा आज के कलयुग में कोई नहीं है जो हमें और आपको अमीर बनाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, शोहरत चाहता है, सुख समृद्धि चाहता है, हर कोई छीनने की कोशिश करता है, लेकिन एक अजनबी व्यक्ति हमारे सिटी के नहीं है फिर भी घर द्वार छोड़ के और आके मेरे साथ आज बैठे हुए हैं और ये सब बात अगर कह रहे हैं तो हो ना हो कुछ ना कुछ तो अगर सही होगा। और जब ये साथ दे रहे हैं तो एक दिन तो जो बता रहे हैं सब पूरा जरूर होगा, 100% जुड़ा होगा। और वो मैं अपलाइन का नाम लेना चाहूँगा जिनके साथ कदम से कदम मिला के काम करने का मौका मिला। मुझे प्लान नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, तब उनसे मैं सीखता रहा, एक एक चीज़ उन्होंने सिखाया, क्या पहनना है, कैसे बात करना है, कैसे प्लान देना है, एक एक चीज़ को उन्होंने एक बच्चे की तरह केयरिंग किया। मैं उस अपलाइन को गर्व और प्राउड के साथ नाम लेना चाहूँगा, इनका नाम है सौरभ कुमार चौधरी सर, एक जबरदस्त ताली, थैंक यू। जिनका पूरा सपोर्ट मिला, लगातार साथ मिला, सर का भी संघर्ष रहता था, कई बार हम सर को बारिश में
मोटरसाइकिल पे भिगा के ले जाता था। कई दिन ऐसा दिन देखा है, लेकिन कहते हैं अपलाइन जो होता है वो हमसे कई गुना पावरफुल होता है। चाहे उम्र उसका कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठंडी के दिन भी मैंने घुमाया, गर्मी में भी घुमाया, और बरसात में भीग भीग के जाते थे, लैपटॉप में ऐसे पन्नी लपेट के और ऐसे पीछे पकड़े रहते थे, और फिर भी मैं लेके जाता था और ठंड लगती थी तो मैं बोलता था सर थोड़ा सा रुक के आप चाय पी लीजिए, थोड़ा सा शरीर में गर्मी आएगी, फिर हम लोग आगे चलेंगे। उस दिन भी हमने कभी सिसक नहीं अपने ऊपर किया, तरस नहीं किया, और न मेरा अपलाइन मेरे ऊपर तरस किया, और न मैं अपने अपलाइन पे तरस किया। बस एक ही काम किया, लोगों को सो द प्लान और सो द प्लान करते चला गया दोस्तों। और ऐसे काम चल रहा था, लेकिन कहते हैं जब ज्वाइन करते हैं और अच्छा नहीं चलता तो मन में डाउट आता, आता है कि नहीं आता है? यस या नो? मेरे साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन शायद कहते हैं कि जीवन में संभलने का मौका आ गया था, सचेत होने का मौका आ चुका था। मैं छुट्टी काट के जा रहा था कोटा, एक दिन बचा था, फैमिली को लेके जा रहे थे, छुट्टी खत्म होने से पहले एक दिन पहले वहाँ पहुँच रहे थे ताकि जाने के बाद सारा सेटलमेंट करना होता है। लेकिन सर बोले अमित लाल जी एक सौभाग्य मिला है आपको, आप अगर एक दिन को आप लखनऊ में बिता देते हैं तो वो दिन अभी तक के जीवन में वो सबसे बड़ा दिन होगा, और उस दिन के बाद आपका बिजनेस रुका हुआ चल जाएगा। मैं बोला सर टिकट हो गया है। बोले कोई बात नहीं, टिकट फिर करा लोगे। मैडम को बोला कि सर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, एक डायमंड शिप है, चलो देखना है। मैडम बोली एसी में टिकट हुआ है बड़ा मुश्किल से बारन तोड़ के, और फिर आप वहाँ से न जाने कौन से स्लीपर में ले जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, लखनऊ में रुकेंगे, एक नाइट होटल में रहेंगे और देख के चलते हैं कि क्या है डायमंड शिप। और उस दिन जो डायमंड शिप चल रहा था और उस दिन जो मुझे बैठ के देखने का मौका मिला, और जब एक आम व्यक्ति एकदम क्या मैं बोलूं, क्योंकि सर से कोई परिचय नहीं था, कुछ भी नहीं था, और डायमंड शिप जब मैं देख रहा था और जब देखा चांद से उतरते हुए लखनऊ के अंदर बहुत बड़ा ऑडिटोरियम डॉक्टर भीमराव ऑडिटोरियम में, और जब उसमें देखा तो सर चांद से उतर रहे थे, और मुझे लगा कि ये भी बेल्ट वाले और मैं भी बेल्ट वाला हूँ। अगर सशक्त की बात करें तो मैं इनसे एक कदम ज्यादा हूँ, क्योंकि मैं आर्मी में हूँ, डिसिप्लिन में कोई कमी नहीं है। और अगर सर करके दिखाए हैं, ये दिन अपने जीवन में लाए हैं, तो मैं अंदर ही अंदर मुट्ठी बांधा। मैं बोला अमित लाल अब तो तू डायमंड बन गया, कोई मायका लाल नहीं जो तेरे को डायमंड बनने से रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और वो कोई और शख्स नहीं थे, आज प्रेरणा का स्रोत हैं, सर से लगातार मार्गदर्शन मिलता है, सर का पूरा गाइडलाइन मिलता है, बस सर से थोड़ा सा बात हो जाता है उसी में लगता है साला पूरी दुनिया को हिला के रख दूंगा। आज वो व्यक्ति पूरे इस इमेंट में आज बहुत बड़ा उनका सहयोग है, उनका बड़ा फख्र के साथ नाम लेना चाहूँगा। परशुराम सर जी के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जिनका मैं डायमंड शिप देखा था दोस्त। थैंक यू। पता नहीं लोग डायमंड देखने के बाद मुट्ठी बांधते हैं, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, फिर भी भटकते, लेकिन मेरा पूरा का पूरा विजन क्लियर हो गया। और मैं वाइफ को बोला देख ले ये जीवन यहाँ मिल सकता है, ये शोहरत यहाँ मिल सकता है, ऐसा लाइफ स्टाइल मिल सकता है, ऐसा माहौल मिल सकता है, और जहाँ जिस माहौल में मैं जीता हूँ, जिस जगह पर मैं रहता हूँ, वहाँ का भी माहौल तुझे पता है, बता कहाँ मुझे रहना चाहिए। मैं क्या बोलूं ऐसे, अगर किसी को पत्नी मिल जाए तो मैं बोलता हूँ इस पूरे संसार में वो इतिहास रच के दिखाएगा जो मुझे पत्नी मिली है। बोले कि कोई बात नहीं, करके दिखाएंगे, हम आपका साथ देते हैं, लगातार सहयोग करेंगे। और उन्होंने साथ दिया। जब मैं कोटा गया और जाने के बाद बस मन में एक ही ख्याल आता था, टाइम नहीं मिलता है, और टाइम नहीं मिलता है, और इतना बड़ा बिजनेस मुझे मिल गया है, आज मैं अगर इसी जॉब में फंसा रहा, यहीं पे घुट घुट के अगर जीता रहा तो एक दिन मैं यहीं मर जाऊंगा, और समय का अभाव में ऐसे ही डायमंड शिप छूट जाएगी। मैं बोला यार ये नहीं छोड़ूंगा, ये तो मुझे हर हाल में चाहिए। मैडम बोली कोई बात नहीं,
चलिए जो भी होगा जैसा भी होगा हम आपके साथ हैं। और दोस्त गए जॉब पे और जाने के बाद कुछ समय तक ड्यूटी किए और ड्यूटी करने के बाद पूरा प्लानिंग अंदर अंदर बन गया था कि अब वापस घर जाऊंगा तो लौट के नहीं आऊंगा, अब तो सिर्फ डायमंड बन के दिखाऊंगा, डायमंड बन के दिखाऊंगा। दोस्त कुछ समय के बाद वहां से छुट्टी लिए, वहां के अधिकारी के लिए उस संस्थान के लिए मेरे लिए छुट्टी था, लेकिन मेरे लिए वो रिटायरमेंट था कि मैं वहां से रिटायर ले होके आ रहा था, क्योंकि उनका पता नहीं कि ये जाने के बाद आएगा कि नहीं आएगा, उनको तो सिर्फ लगता था ये छुट्टी जा रहा अब तो लौट के ही आएगा। लेकिन वहां से आया और आने के बाद दोनों का प्लानिंग था कि अब जाना नहीं है, जाके गया मैं जाके एक रूम ले लिया। दोस्त ना तो मैं अपने घर पे गया ना तो मेरी मैडम अपने मायके गई, बोल संघर्ष दोनों के जीवन में रहेगा क्योंकि खुशी भी दोनों के जीवन में आने वाला है। गया मैं रूम लिया और अपने टीम के साथ लगातार काम किया। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, मुझे फक्र महसूस हो रहा था इतना बड़ा अवसर मिला है। सेना में 24 घंटा के लिए मैं तैयार रहता था, मेहनत में अपने परिवार से सीखा था। मेरे पिताजी 4-4 बजे भोर में उठ के जब काम करते हुए मैं देखता था, नींद खुलता था। हम कि इतना मेहनत मेरे घर में होता है, मेरे पिताजी करते हैं और मैं उन्हीं का संतान हूँ। अला मेहनत में तो कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी करना पड़े लेकिन मेहनत तो करूंगा। और दोस्त मेहनत की बात करते हैं लोग, क्या है मेहनत? कुछ भी नहीं लगा। सुबह होता था और एक ही काम था मेरा, बैग में लैपटॉप डालते थे, फोल्डर डालते थे, फॉर्म डालते थे और निकल जाते थे अपने डाउनलाइन के लिस्ट पे संग में लेके। सुबह से निकलते थे, सुबह चना खा के जाता था कि वापस पता न कब आऊँगा। गर्मी के दिन में दोस्त बिहार में लोग सतुआ पीते हैं, सतुआ पी के जाता था सुबह कि जा रहा हूँ कब आऊँगा पता नहीं है। और जाने के बाद सिर्फ प्लान 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 करते थे और मैडम फोन करती थी कब तक आओगे, हम कि अभी पता नहीं है, आ जाऊंगा तब समझना आगे, नहीं तो अभी तो काम में लगा हूं धुआंधार। और रात हो जाता था, रात हो जाता था। और ऐसे करते 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 सभी लीडर यहां पे मौजूद हैं जिनके साथ मैंने फील्ड में काम किया हूं, लगातार सपोर्ट दिया हूं, ग्रुप मीटिंग के माध्यम से, प्लान के माध्यम से, फॉलोअप के माध्यम से लगातार काम किया दोस्त। और ऐसे करते करते जब पता चला मेरे पिताजी को जॉब छूट गई, तो आप जानते हैं क्या हालात होता है बिहार में। सभी दोस्त ने बोला तुम फंस गए हो, बेकार का काम कर रहे हो, रोड पे आ जाओगे। आज ठीक ठाक चल रहा था, पता न कल तुम कहाँ हो गए। एक तो गरीब परिवार से थोड़ा सा उठा था और तुझे मत मार गई जी, जाके नौकरी छोड़ दिया। लेकिन शायद उनको डायमंड शिप नहीं दिखा था, मैं समझा नहीं पा रहा था, लेकिन मैं खुद समझ गया था कि डायमंड शिप बहुत बड़ी चीज होती है। मैं बोला कोई बात नहीं दोस्त, बस मुझे करने दो। सर बताए थे लोगों को अगर जवाब देना है तो बोल के मत देना मित्रलाल, कर्म करके देना, प्रूफ कर देना, अपने आप लोगों का जवाब मिल जाएगा। अब बस मैं जवाब देने के चक्कर में था, इसलिए मेहनत कर रहा था, लगातार मेहनत कर रहा था। और करते करते जब मैं इस सेफ शॉप से पहला अचीवमेंट मैंने मोटरसाइकिल लिया, दूसरा जब मैं गया मैं आया काम किया, कार खरीदा, और जब कार खरीदा उसके बाद मैं गया था पूरे फैमिली पूरे परिवार को लेके अपने घर। और घर जब गया था कई लोग आके वो गाड़ी को देख रहे थे कि पता नहीं ये सही में लिया है या भाड़े पे लिया है, पता ना खिलौना तो नहीं लाया, लोग टच कर रहे थे। मैं बोला चचा जी ये चल के आइए, फर्स्ट क्लास कार है, एसी वेसी एकदम मस्त लगता है, सही है दोस्त। क्योंकि गांव में लोग नॉर्मली आज भी थे, और जब लेके गया तब थोड़ा सा मम्मी पापा को लगा कि कुछ अच्छा कर रहा है तभी लेके आया है। लेकिन फिर भी कई लोग बोले पता ना कंपनी वाले ने दिया होगा, आज दिया है कल लेके चला जाएगा। लेकिन फिर प्रूफ करने की बारी थी, क्योंकि उनकी जो दिमाग में छवि था कि गलत है उनको फिर सही करना था। फिर लगातार अपलाइन के साथ गाइडलाइन में काम किया, दीपक सर का पूरा सहयोग मिला, कोटा से आशीर्वाद बना रहा। और सर याद आ रही है जो आपने मुझे भाईम किया था,
एक गांठ बन गया था। सर ने बोला, अमित लाल जी आपके कितने बच्चे हैं? मैं बोला, सर एक है। बोले कि अब आप बताओ, अगर ऊपर वाला एक और दे दे तो क्या कर पाओगे? मैं बोला, सर जैसे इसका परवरिश करता हूँ वैसे ही इसका भी करूँगा। फिर सवाल किए कि क्या गारंटी है कि ये दोनों बच्चे को पाल लोगे 18 साल, 20 साल, 25 साल, लेकिन उसके बाद ये पता ना आपको सुख समृद्धि दे सकता है या नाम करेगा या बदनाम करेगा या आपकी बात मानेगा या नहीं मानेगा, कोई गारंटी है? तो मैं बोला, नहीं सर कोई गारंटी नहीं है। तब उन्होंने बोला कि चलो उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आज ऐसा आप मान लो कि आज आपके घर में एक और सपूत का जन्म हुआ है और उसका नाम कुछ और नहीं, उसका नाम सेफ शॉप है, जो आपके घर में आ चुका है और आ गया है। इसको मात्र अब 3 साल, 4 साल, 5 साल पाल लो, इसको केयरिंग कर लो, टाइम टू टाइम जो चाहिए उसको पूरा दो। और अगर ऐसा करते हो तो मैं लिख के देता हूँ कि आने वाला समय में जो सेफ शॉप बच्चा है आपको छोड़ दे, आपको पूरे पीढ़ी को संभालने के लिए तैयार हो जाएगी, वो बच्चा सेफ शॉप है। थैंक यू। वो दिन याद है, और मैं बच्चा से कम नहीं सेफ शॉप के मानता हूँ, और आज भी मानता हूँ, और जब तक धरती पे रहूँगा, जब तक सांसें चलेगी तब तक मैं वैसे ही करता रहूँगा, क्योंकि आज सेफ शॉप की वजह से आज मेरा पूरा परिवार पलता है। दोस्त परिवार पर रहा है, काम कर रहे थे, इसी बीच में ऐसा सिचुएशन आया, रात का समय था, अपने टोपाल लीडर आज बैठे हुए, संजय जी के टीम में मैं गया था जहानाबाद काम करने के लिए, और रात हो चुका था, गाड़ी से आ रहे थे, और बीच रास्ते में गया चाकन के बीच में मेरे साथ एक घटना होता है कि 3 लोग आते हैं मोटरसाइकिल से, और मेरे साथ घटना होता है कि बस छीना छोरी करते हैं, मारा पीटी का माहौल बना दिए, मारने लगे, जो भी कुछ था सब कुछ दे दिया। दोस्त उस समय भी अपलाइन ने एक चीज बोला, मैं बोला सर ऐसे ऐसे घटना हो गया सर मेरे साथ, दीपक सर से बात होती, बोले अमित लाल जी कोई बात नहीं, चुराने वाले कभी धनी नहीं बनते, छीनने वाले धनी नहीं बनते, आपका कलेजा इतना बड़ा है और सेफ शॉप बच्चा आपके पास है, जो ले गया है उससे तो अब अच्छा और बड़ा ही आपके पास आने वाला है, इसीलिए पुराना ले गया, नया आने वाला है आपके घर में। दोस्त उस समय भी लगातार टिका रहा, काम करता रहा, उसी बीच में गया में मैंने एक प्लॉट खरीदा था, मेरा ही प्लॉट में बेच दिया, थोड़ा सा जगह छोड़ के, और उसमें घर भी बन गया, हम देखने तक नहीं गए थे, जब अत्यंदव गए तो लगा ये क्या हो गया, मेरे जमीन में घर बन गई। सर से बात चुत हुई, बोले देखो क्या कर सकते हो, लेकिन थैंक्स कि जो जमीन का मालिक था इतना अच्छा था, बोला गलती से हुआ है और इसका देनदार हूँ, चाहे तो आप जमीन ले लो या तो उसके एवज में पैसा ले लो, लेकिन बेकार नहीं जाने दूंगा क्योंकि मेरे से गलती हुआ है। मैं बोला सर ऐसा ऐसा सोल्यूशन निकल गया। तो दोस्त कभी भी मैंने जीवन में मुड़ा नहीं, कभी रुका नहीं, और जब कोटा में ट्रेनिंग की बात आती थी तो फ्राइडे के दिन होता था, शाम को ट्रेनिंग होता था, ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी ड्यूटी को मैनेज करके आते थे, और ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ा, और उस ट्रेनिंग में मुझे 4 बेसिक के बारे में बताया गया था जो मुझे घर कर गया। सबसे पहले बोले सर कि लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनाने के बाद इनविटेशन संडे के प्लान में करो, और उसके बाद शो द प्लान, और जब तक डीडी नहीं देता है अमित लाल जी तब तक उसके पीछा करते रहना, फॉलो अप करते रहना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, और एक दिन आपके टीम में वो जरूर जुड़ेगा, आप बस पीछा करते रहना। थैंक यू। लगातार वही काम मैंने किया। बोले कोर ट्रेनिंग में जाना है, मैंने कभी ही बट किंतु परंतु लेके नहीं लगाया, सर जाऊंगा, टीम को ले जाना है, टीम को ले जाऊंगा, अमित लाल जी फलाने जगह पे फंक्शन है आपको आना है, जरूर आऊंगा, दिशा वर्कशॉप है आना है, वहां भी गया, टीम को ले गया, गोरखपुर में मीटिंग होता था, बोले गोरखपुर आना है, सर ठंडी में भी आऊंगा सर,
क्योंकि भूख था डायमंड शिप का, और डायमंड शिप से बड़ा वो मेरे लिए नहीं था। या ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो, वो मेरे लिए बड़ा नहीं था, क्योंकि डायमंड शिप उससे कई हजार गुना बड़ा था। इसलिए मुझे कभी रोका नहीं दोस्त, कभी नहीं रोका। और सर ने एक चीज बताया, अमित लाल जी जो आपसे ऊपर सीनियर अपलाइन है, अगर वो जो आपको बता रहा है आप उसमें कंफ्यूज मत होइए, आप उनको मत काटिए। ऑलरेडी आपसे दो कदम आगे चल रहे हैं, उनके पास आपसे ज़्यादा अनुभव है। हो सकता है अभी आपको बुरा लगता होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, उनकी बात पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, तो लग रहा होगा कि अपलाइन न जाने गलत समझा रहा है। लेकिन कभी अपलाइन गलत नहीं समझा सकता आपको, क्योंकि अपलाइन हर समय आपको आगे बढ़ते हुए चाहता, देखना चाहता है। बस बात मत काटना, डटे रहना, टिके रहना, धैर्य रखना और ईमानदारी से काम करना। एक दिन तुम जरूर बनोगे जिस लिए तुम सेना छोड़ के आए हो, पक्का बन जाओगे। थैंक यू दोस्त। आज तक ना अपलाइन की बात काटा हूँ, और मैं इस मंच से वादा करता हूँ ना तो आगे काटूंगा, मरते दम तक अपलाइन की बात मानूंगा, क्योंकि अपलाइन के हाथ पकड़ के आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और इन्हीं अपलाइनों के हाथ पकड़ के और मैं पूरे विश्व में डंके के चोट पे क्राउन अम्बेसडर, ट्रिपल क्राउन अम्बेसडर, और जो भी MLM इंडस्ट्री में लेवल होता है हर एक एक लेवल को ब्रेक करके रख दूंगा दोस्त, इन्हीं अपलाइन और फ्रंट लाइन की वजह से। थैंक यू। मैं ईश्वर से धन्यवाद देता हूँ कि जो मुझे ग्रो लाइन मिले हैं, जो मुझे टीम मिला है, मैं बहुत फख्र करता हूँ। इतने जवान टाइगर हैं कि हजारों पे भारी हैं। आलोक प्रिया जी, मनीष कुमार, राजू जी, अमन वर्मा जी, बैजनाथ प्रसाद जी, ब्रज किशोर जी, रविंदर जी, आलम जी, ऐसे करके आनंद जी, संजय जी, ऐसे करके कई लीडर, प्रिंस जी, ऐसे करके जबरदस्त लीडर मुझे मिले, जो आज दमदारी से, ईमानदारी से, लगन के साथ आज पूरा धुआं उड़ा के पूरे भारत में काम कर रहे हैं। और मुझे प्राउड है ऐसे दमदार टाइगरों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। साले पूरे भारत में छा जाने वाला ये दमदार टाइगर है, बस इनके साथ लगे रहूंगा दोस्त। थैंक यू। क्योंकि हर उतार चढ़ाव में इन लोग तैयार रहते हैं, क्योंकि कहा जाता है जिंदगी अगर बनने वाला है तो बनने से पहले न जाने कितने बार बिगड़ सकता है, लेकिन फिर भी तैयार रहिए, क्योंकि बल्ब बनाने वाला जिसके रोशनी में आज हम लोग दिखाई दे पा रहे हैं, चमक पा रहे हैं, न जाने आज देखने के बाद कितना मजा आता है। लेकिन इसी रोशनी को दिखाने के लिए इस भारत देश में घर घर में रोशनी जलाने के लिए थॉमस एल्वा एडिसन ने कितनी बार प्रयास किया है, कितनी हार का सामना किया है, कितनी बार असफल हुआ है, लेकिन मन में एक चीज ठान लिया था, हाला कुछ भी हो जाए लेकिन घर घर में रोशनी पहुंचा के रखूंगा। और 9999 बार असफल, फिर भी हिम्मत नहीं हारा, और जाके फाइनल उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया जिसके आज रोशनी में हम और आप चमकते हैं। यस या नो दोस्त, जब इतनी हार का सामना कोई और इंसान कर सकता है, जिसको लोग मंद बुद्धि घोषित किया था, स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन एक कोई उसके परिवार में था जो उनकी माँ थी, ये नहीं बोला तू मंद बुद्धि हो, बोला जीनियस हो, यानी उनके जीवन में कोई एक शख्स था जो ये बोल रहा था तुम इतिहास रचोगे। और वैसे ही पूरी भारत में कोई नहीं था जो मुझे कह सकता था अमित लाल तुम डायमंड बनोगे, तुम्हारे जैसा जिसको बोलने नहीं आता, तुम जैसे डायमंड बनना आसान बात नहीं है, तुम तो कति नहीं बन पाओगे। अरे बहुत लोगों को देखा मैं आते हुए, कुछ समय रहने के बाद जाते हुए देखा, और तुम बोले हो मैं बन के दिखाऊंगा। लेकिन दोस्त, जो भी मेरे हित थे, दोस्त यार थे, वो सिर्फ माना किए, किसी ने ये नहीं बोला कि तुम इतिहास रचेगा, मैं तेरे साथ हूँ, मिल के करेंगे। लेकिन कोई तो शख्स था, कोई शख्स था, वो कोई और नहीं थे, वो अपलाइन थे, गणेश पाल सर के रूप में, दीपक सर के रूप में, परशुराम सर के रूप में, सौरभ सर के रूप में। और बस आशीर्वाद खाली जब इस सिर पे हाथ पड़ जाता है माधव सर का, मैं समझता हूँ इस भारत देश में इतने बड़े सोच वाले,
इतने कर्मठी, इतने आगे पहुंचाने वाले, अगर कोई हमें और आपको अपलायन मिल जाता है तो साला मां कसम कहता हूं इस पूरे भारत देश में ऐसे अपलायन हमारे साथ हैं कि इतिहास पे इतिहास, इतिहास पे इतिहास, इतिहास पे इतिहास रचते चले जाएंगे, तो रचते चले जाएंगे। थैंक यू। गणेश पाल सर से मिलता हूं, पिताजी दूर रहते हैं लेकिन क्या मैं बोलूं, मिलता हूं तो लगता है कि एक पिताजी मिल गए। मतलब कभी खल्ले नहीं दिए, इनका लड़का सिरकान जी है, जब मिलता हूं तो ऐसे फर्क ही नहीं देख पाते, ये लगता है उनकी वाइफ से मिलता हूं तो ऐसे लगती है माँ मिल गई। इतना जबरदस्त केयरिंग, आज तक मैं इनके पास गया ऐसा आज तक का एक पल एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि इनके घर से मैं कुछ खा के या पी के नहीं आया हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, जब भी गया हूँ इतना केयरिंग किए और इतने जबरदस्त। कहते हैं मुझे लाने वाला कोई और था, साला खुद उड़ गया, लेकिन मुझे पहुँचाने वाला कोई और थे जो आज हम सभी के साथ में। यही हमारे लिए शुभचिंतक है दोस्त, यही शुभचिंतक है। एक चीज़ और पता चल गया, बिजनेस में लाता कोई और है, वो रहा तो भी अच्छा और ना रहा तो भी अच्छा, क्योंकि अपलाइन तो हमारे और साथ मिल ही जाते हैं। यस यानो, आज बहुत मजा आ रहा है और खुशी की बात है कि ये हम नए साल में इन कर चुके हैं। यस यानो, हम लोग 2020 में आ गए हैं और जैसे ही 2020 की बात आता था तो सर एक बात की एहसास कराते थे, दीपक सर बोलते थे 2020 ड्रीम ईयर्स होगा, जलवा होगा, बहुत पैसे कमाएंगे, हर एक के घर घर में गाड़ी होगी, हर एक के घर में लाखों रुपये का इनकम होगा। बस सर तो बोलते थे, पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन सर बार बार बोलते थे। लेकिन दोस्त आज मुझे भरोसा हो रहा है और पूरा प्राउड भी हो रहा है कि हमें इस 2020 में 2020 खेलने का मौका मिला है, क्योंकि सेफ शॉप कंपनी अभी 19 साल से जो प्लान पे काम कर रही थी उसी प्लान पे काम करके आज मैं इस मंच तक आ पाया हूँ। एक डायमंड जो बनना चाहिए वो मैं बन पाया हूँ, लेकिन अभी कंपनी ने हमारे आप सभी के लिए जो इतना बेहतरीन प्लान लॉन्च किया है, इतना शानदार बिजनेस को दे दिया है कि रियल में उनके दिमाग में एक चीज़ तो चल रहा होगा कि जब भी इस भारत देश में 2020 ईयर आएगा वाला 2020 खेलने वाला प्लान भी अपने टीम को दूंगा, और वो मिल चुका है, वो मिल चुका है, आज जानने का मौका भी मिलने वाला है। और दोस्त मैं वादा करता हूँ कि 2020 की तरह ही खेलूँगा, ना तो वनडे की तरह चलेगा और ना तो ये टेस्ट की तरह चलेगा, ये तो साला सिर्फ चलेगा तो 2020 की तरह ही चलेगा, उससे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होने वाला। और दोस्त इस 2020 में काम करके पक्का वादा करता हूँ एक एक लीडर के घर में कार आएगी, एक एक लीडर के घर में लाखों रुपया आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके घर में नहीं आएगा। रात दिन एक कर दूंगा, क्योंकि 2020 खेलने के लिए आया हूँ, फील्ड छोड़ के नहीं भागने, 2020 खेलूंगा। और एक एक टाइगर के घर में जाएगा अचीवमेंट, और जब टाइगर के घर में आएगा तो मेरे भी घर में आएगा। यस यानो, इसी 2020 के अंदर, क्योंकि इसी बिजनेस से कार आया, इसी बिजनेस से पटना राजधानी में अपार्टमेंट खरीदा हूँ और अब ड्रीम देखा हूँ, इसी 2020 में छोटी कार को चेंज करना है और प्रीमियम कार ओडी लेके भी आऊँगा, इसी 2020 में लेके आऊँगा। थैंक यू। और कार तो होगा ओडी पूरा, और एक और कमिटमेंट है इसी 2020 के अंदर, एक ड्रीम हाउस मुझे बनवाना है जिसके लिए तकरीबन 20 कट्ठा मैं प्लॉट खरीदूंगा, और वो प्लॉट दिमाग में चल रहा है, पूरा कागज पे लिखित में है, वो प्लॉट रांची के अंदर होगा जो 20 बीघा का होगा, उसमें ड्रीम हाउस में अपना बनवाऊंगा, घर बनवाऊंगा। थैंक यू। और भी टीम में घर का प्लानिंग चल रहा है,
रात दिन एक कर दूंगा, उनका घर खरीदवाऊंगा। जिनके पास फोर व्हीलर नहीं है उनका फोर व्हीलर खरीदवाऊंगा। ऐसे करके 2020 में यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये कोई मोटरसाइकिल पे नहीं होंगे गुरुजी, ये सभी लोग फोर व्हीलर पे आ चुके होंगे। मैं इनके साथ पूरा कदम से कदम मिला के काम करूंगा। थैंक यू। बाकी आज सर से बहुत कुछ सीखने का मौका मुझे मिलने वाला है, क्योंकि सीखना है, क्योंकि 2020 खेलने के लिए 2020 का सॉफ्टवेयर भी आज डालना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में अभी तक 2020 नहीं था, लेकिन आज यहाँ से डाल के ही जाऊंगा, पूरा बदल के जाऊंगा और 2020 की तरह खेलना स्टार्ट कर दूंगा। फैमिली को ही बताया हूँ कि 2020 खेलने के लिए डिस्टर्ब मत करना, और मेरी वाइफ इतनी कर्मशील है कि हर परिस्थिति में घर को संभाल लेती है। दो दो बच्चा है मेरा, फिर भी आज तक कभी इन्होंने काम करने के लिए रोका नहीं कि ये दो बच्चे को कैसे संभाल पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए उन्होंने बच्चे को केयरिंग किया। और जब मैं कभी गया तो फिर मेरा भी केयरिंग किया, कभी वो ये नहीं बोला कि बहुत परिश्रम है, बहुत मेहनत है, बोला कि बस आप बिंदास काम कीजिए, आप इतिहास पे इतिहास बनाइए, घर का टेंशन आप मत कीजिए, घर के लिए मैं अकेली ज्योति काफी मुझे जला के रखूंगा, कभी नहीं जीवन में तकलीफ होने दूंगा आपको, दो साथ बिंदास काम करता हूँ, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। आज बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा, आज सीखने आया हूँ, सीख के जाऊंगा, और मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। गो क्राउन अमृतसर।